1786-1793 हमने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरन हेस्टिंग्स के बारे में डिस्कस किया था आज हम इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोग अक्सर याद करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय उनकी हार के लिए ट्वेंटी सितंबर से नाइनटीन अक्टूबर 1781 के बीच योकटाउन वर्जीनिया में अमेरिकन रेवोल्यूशन के लास्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन में उन्हें अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने हरा दिया था लेकिन उनकी लाइफ के बेस्ट ईयर्स का आना तो अभी बाकी था जो वो इंडिया में गवर्नर जनरल बनने के बाद जीते हैं वैसा तो वॉरन हेस्टिंग्स के बाद सर जॉन मैकफर्सन फेब्रवरी 1785 से सितंबर 1786 तक बंगाल के एक्टिंग गवर्नर रहे थे लेकिन उनके इस शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता इसलिए हम डायरेक्ट लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के पीरियड की तरफ चलते हैं इंट्रोडक्शन दोस्तों लॉर्ड कॉर्न को 1786 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है इसके साथ ही उन्हें ब्रिटिश इंडिया के कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी दी जाती है इसका मतलब हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी के साथ साथ हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी की पावर भी आ गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें टास्क दिया था कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करें और साथ ही लैंड रेवेन्यू की समस्या का भी कुछ समाधान निकालें लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने प्रीटिससर वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा इस्टैब्लिश किए गए सिस्टम्स को और इम्प्रूव करते हैं और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा सुपर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो यहां 1858 तक चलता है तो आइए एक एक करके लॉर्ड कॉर्नवॉल्स द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को समझते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स वॉरन हेस्टिंग्स ने जो जुडिशल सिस्टम स्टैब्लिश किया था कॉर्नवॉलिस उसमें कुछ चेंजेस करते हैं जैसे कि 1787 में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को फिर से दीवानी अदालत का जज बना देते हैं इससे पहले वॉरन हेस्टिंग्स ने 1774 में कलेक्टर्स की ज्यूडिशियल पावर्स को ख़त्म कर दिया था लॉर्ड कॉर्न न सिर्फ कलेक्टर्स की ज्यूडिशियल पावर्स को रिस्टोर करते हैं बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा मैजिस्टेरियल पावर्स दे देते हैं दूसरा रिफॉर्म सेवनटीन से नाइन्टी के पीरियड में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में इंट्रोड्यूस होता है डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को अबॉलिश करके उनकी जगह चार सर्किट कोर्ट्स बनाई जाती हैं इनमें से तीन बंगाल में थीं और एक बिहार में और इन सर्किट कोर्ट्स में यूरोपियन ऑफिसर्स को ही जज अपॉइंट किया जाता है और इनको असिस्ट करते थे काजीज और मुफ्तीज इससे पहले फौजदारी अदालत में इंडियंस को ही जज अपॉइंट किया जाता था हम कह सकते हैं कि यहां से जुडिशियल सिस्टम में से इंडियंस को अलग करने की शुरुआत हो जाती है लॉर्ड कॉर्न वॉलिस का सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म था उनका 1793 का कॉर्न वॉलिस कोड इस कोड में उनके सभी रिफॉर्म्स फाइनल शेप लेते हैं और प्राइमेरिली सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर बेस्ड था कॉर्नवॉलिस को रियलाइज होता है कि कलेक्टर्स के हाथ में जुडिशियल पावर्स देना सही डिसीजन नहीं था क्योंकि जिनके पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर थी वो रेवेन्यू के केसेस को इम्पार्शली कैसे डिसाइड कर सकते थे इसलिए कॉर्नवॉलिस कोड में वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और कलेक्टर्स की सभी जुडिशियल और मैजिस्टेरियल पावर्स को खत्म कर दिया जाता है सिविल कोर्ट्स को प्रिसाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज नाम से एक नई ऑफिसर क्लास की शुरुआत की जाती है इसके अलावा कॉर्नवॉलिस कोर्ट फीस को भी अबॉलिश करते हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉर्नवॉलिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स इक्वालिटी और जस्टिस के वेस्टर्न आइडिया पर बेस्ड थे इसीलिए रिलीजियस लॉज की जगह कोडिफाइड सेक्युलर लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है लेकिन ये एकदम नया सिस्टम था और आम जनता को इसे समझने में काफी दिक्कत होती थी साथ ही जस्टिस के लिए अब लॉयर्स की जरूरत भी होने लगी थी इसीलिए एक तरह से जस्टिस अब एक्सपेंसिव हो गई थी और कॉमन मैन की रीच से बाहर भी दोस्तों यह तो हुई कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात आइए अब उनके पुलिस रिफॉर्म्स को जानते हैं पुलिस रिफॉर्म्स जुडिशल रिफॉर्म्स को सप्लीमेंट करने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जाते हैं सबसे पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ज़मींदार्ज की पुलिस पावर्स को ख़त्म कर देते हैं उनकी जगह अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंट्रोल इंग्लिश मैजिस्ट्रेट्स को दिया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को थानाज या पुलिस सर्कल में डिवाइड कर दिया जाता है एक सर्कल का एरिया लगभग 20 स्क्वायर माइल्स का होता था। थाने का इंचार्ज इंडियन ऑफिसर के पास होता था जिसे दरोगा कहते थे और उन्हें असिस्ट करने के लिए बहुत से कॉन्स्टेबल्स भी होते थे हम कह सकते हैं कि इंडिया में मॉडर्न पुलिस सिस्टम की शुरुआत यहां से होती है दोस्तों जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स के साथ ही लॉर्ड कॉर्नवॉलिस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या सर्विस रिफॉर्म्स के लिए भी जाने जाते हैं उन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है तो चलिए लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कॉर्नवॉल्स सबसे पहले कंपनी सर्वेंट्स के द्वारा किए जाने वाले प्राइवेट ट्रेड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेते हैं उनको रियलाइज होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी बहुत कम है और उसको सप्लीमेंट करने के लिए ही वो करप्शन या इलीगल मीन्स का यूज करते हैं इसलिए वो एम्प्लॉयज की सैलरी रेज कर देते हैं इसके साथ ही कॉर्न कंपनी में नेपिटिज्म और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म को भी कम करते हैं वो मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट स्टार्ट करते हैं यहां तक कि एक बार वो प्रिंस ऑफ वेल्स की रिकमेंडेशन को भी मना कर देते हैं लॉर्ड कॉर्नबॉलिस इंडिया में सिविल सर्विसेज को कॉविनेंटेड सिविल सर्विस और अनकॉविनेटेड सिविल सर्विस में डिवाइड करते हैं कॉवनेटेड सर्विसेज में इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता था सभी हायर पोस्ट अब सिर्फ यूरोपियंस को दी जाती थी इंडियंस को सिर्फ क्लार्क और पियंस जैसी लोअर पोस्ट ही ऑफर की जाती थी इससे हमें पता चलता है कि कॉर्नबॉलिस की पॉलिसी रेसिज्म से प्रभावित थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के यूरोपियनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सपोर्टर थे उनके अकॉर्डिंग तो हर एक इंडियन करप्ट था इसलिए सभी हायर सर्विसेज़ को वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर देते हैं कॉविनेंटेड सर्विसेज के दरवाजे भी उन्होंने ही इंडियंस के लिए बंद कर दिए थे आर्मी में इंडियंस सूबेदार की पोस्ट से आगे नहीं जा सकते थे और सिविल सर्विसेज में मुंसिफ्स या डेप्यूटी कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट पर उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता था सोचने वाली बात यह है कि उस समय के इंग्लैंड में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करप्शन से फ्री नहीं थी और कंपनी के सर्वेंट्स की मोरालिटी से तो हम सभी अच्छे से परिचित हैं फिर भी कॉर्न सिर्फ इंडियंस को ही करप्ट कहते हैं हायर सर्विसेज में ऑनेस्टी को इम्प्रूव करने के लिए तो उन्होंने उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया था लेकिन इंडियन एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने कभी सेम मेथड अप्लाई करने की कोशिश भी नहीं की इससे साफ होता है कि लॉर्ड कॉन्डवालिस इंडियंस को लेकर काफी ज्यादा प्रेजुटिस्ट थे उन्होंने ही रेशलिज्म की पॉलिसी पर ऑफिशियल मोहर भी लगा दी थी और इस रेशलिज्म की पॉलिसी से एंग्लो इंडियन रिलेशंस ब्रिटिश रूल के आखिरी समय तक ग्रसित रहते हैं आइए अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेक्स्ट रिफॉर्म्स यानी कि कमर्शियल रिफॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कमर्शियल रिफॉर्म्स दोस्तों जब कॉर्नवालिस इंडिया आते हैं तो देखते हैं कि कमर्शियल डिपार्टमेंट में करप्शन फैला हुआ है कंपनी के खुद के गुड्स तो यूरोप में कई बार घाटे में बेचे जा रहे थे लेकिन कंपनी के सर्वेंट्स जो गुड्स खुद यूरोप भेजते थे अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए उन्हें काफी मुनाफा हो रहा था 1774 में कैलकटा में बोर्ड ऑफ ट्रेड एस्टैब्लिश किया गया था और तभी से कंपनी अपने गुड्स यूरोपियन और इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू प्रोक्योर करती थी ये कॉन्ट्रैक्टर्स यूजुअली गुड्स को हाई प्राइसेस पर सप्लाई करते थे और साथ ही इनकी क्वालिटी भी इंफीरियर होती थी बोर्ड के मेंबर्स कॉन्ट्रैक्टर्स पर एक्शन लेने की जगह ब्राइब और कमीशन एक्सेप्ट करके उनका ही साथ दे रहे थे इसलिए कॉर्नवालर्स बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्ट्रेंथ ग्यारह से कम करके पांच मेंबर्स की कर देते हैं इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू प्रोक्योरमेंट का मेथड खत्म कर दिया जाता है और इसकी जगह अब कमर्शियल रेजिडेंट्स और एजेंट्स के थ्रू सप्लाई के मेथड को अपना लिया जाता है ये कमर्शियल रेजिडेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को एडवांस देकर प्राइस सेटल कर लेते थे जिससे कंपनी को सस्ते रेट पर सप्लाई मिलने लगी इस तरह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कमर्शियल डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को इंप्रूव किया दोस्तों आइए अब हम कॉर्नवालिस के सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यानी कि उनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स को समझते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स एंड Permanent सेटलमेंट ऑफ Bengal लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सुधार लाना कॉर्न का सबसे बड़ा कंसर्न था वॉरेन हेस्टिंग्स के फाइव ईयर और वन ईयर सेटलमेंट जो बिडिंग सिस्टम पर बेस्ड थे फेल हो चुके थे कंपनी को टाइम पे रेवेन्यू नहीं मिल पाता था और उसकी अमाउंट भी फिक्स नहीं थी इसके साथ ही वॉरन हेस्टिंग्स के ब्रिडिंग सिस्टम की वजह से कल्टिवेटर्स भी परेशान थे इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉर्नवॉलिस 1793 में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जमींदार्स को लैंड ओनर माना गया और उनके साथ 1790 में 10 साल का सेटलमेंट किया जाता है जिसे 1793 में परमानेंट कर दिया जाता है जमींदार्स को लैंड में हेरिडिटरी राइट्स मिल गए मतलब उनके बाद जमींदारी उनके ही सक्सेसर्स को ट्रांसफर हो जाएगी सेटलमेंट के अकॉर्डिंग टोटल रेवेन्यू का 89 परसेंट शेयर कंपनी का होगा और 11 परसेंट जमींदार्ज अपने पास रख सकते हैं इसमें परमानेंट का मतलब था कि लैंड रेवेन्यू का अमाउंट हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था यह अमाउंट लैंड का सर्वे करके उसकी प्रोडक्टिविटी और पास्ट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बेसिस पर फिक्स किया जाना था यानी कि अब रेगुलर बेसिस पर लैंड रेवेन्यू की डिमांड चेंज नहीं की जाएगी और अमाउंट को बीडिंग से भी डिसाइड नहीं किया जाएगा परमानेंट सेटलमेंट करने के पीछे कंपनी का मोटिव था कि उन्हें रेगुलर और फिक्स रेवेन्यू मिलता रहे इसके साथ ही कॉर्नवॉलिस का विचार था कि क्योंकि जमींदार जब लैंड ओनर्स थे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में उनका अपना फ़ायदा था तो वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे साथ ही कल्टीवेटर्स पर भी बिडिंग सिस्टम के जैसे एक्सेसिव रेवेन्यू का प्रेशर नहीं आएगा एक तरह से लॉर्ड कॉर्नवॉलिस इंडिया के जमींदार्स को इंग्लैंड के लैंडलॉर्ड्स वाला रोल देना चाहते थे इस सेटलमेंट का एक फीचर सनसेट क्लॉज भी था इसका मतलब होता है कि जमींदार्स को फिक्स डेट पर शाम होने से पहले रेवेन्यू डिपॉजिट करना होता था अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनके जमींदारी राइट्स को नीलाम कर दिया जाता था हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट के पीछे इंटेंशन तो अच्छी थी लेकिन फिर भी इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि लैंड रेवेन्यू के अमाउंट का रेट बहुत हाई रखा गया था क्योंकि कंपनी परमानेंट तौर पर रेट फिक्स कर रही थी इसलिए उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा रेट रखा जाए इससे होता यह है कि जमींदार्स इतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे और सनसेट क्लॉज के तहत उनकी जमींदारी भी चली जाती थी इसके साथ ही जमींदार ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा हरास भी करने लगते हैं जमींदार्स को लॉन्ग टर्म के लिए लैंड में इन्वेस्ट करने का कोई इंसेंटिव भी इस सिस्टम में नहीं था परमानेंट सेटलमेंट एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के फिनोमेना को भी जन्म देता है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं जब लैंड ओनर अपनी लैंड होल्डिंग के पास न रहकर कहीं दूर रहने लगता है जैसे कि इस केस में लैंडलॉर्ड्स सिटी में रहने लग जाते हैं इस सेटलमेंट की वजह से ही पहली बार पेजेंट्स लैंड पर अपने राइट्स खो देते हैं और टेनेंट्स एट विल बन जाते हैं हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट भी लैंड रेवेन्यू का परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाता और आगे जाकर ब्रिटिशर्स बाकी प्रोविंसेस में रियोतवाड़ी और महालवाड़ी जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करते हैं दोस्तों यह तो बात हुई लॉर्ड कॉर्नवाल द्वारा इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स की आइए अब उनके टाइम पीरियड के कुछ और इवेंट्स को भी जान लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालस के टाइम में ही 1790 में थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर भी हुआ था इसमें कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हराकर उनके साथ 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापटनम साइन की थी एंग्लो माइसोर वॉर्स को हम अपनी वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो रिफर कर सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही सेवनटीन में बनारस में संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया गया था जिसके फाउंडर जॉनथन डंकन थे कंक्लूजन दोस्तों लॉर्ड कॉनवालिस सेवनटीन एटी सिक्स से गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं लेकिन इसके साथ ही ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल भी थे जिन्हें इस पोस्ट पर फिर से अपॉइंट किया जाता है जनवरी 1805 में एक बार फिर से लॉर्ड कॉर्नवॉलिस गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं लेकिन उनका सेकेंड टर्म अनइवेंटफुल रहता है क्योंकि अक्टूबर 1805 में इलनेस की वजह से प्रेजेंट यूपी के गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है लॉर्ड कॉन को गाजीपुर में ही बैरी किया गया था और आज भी यहां उनका मॉसोलियम मौजूद है तो दोस्तों हमने एक और इंपॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नर को भी कवर कर लिया है अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट गवर्नर लॉर्ड वेलिजली के बारे में डिस्कस करेंगे